नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय जुराज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क में फेज वन में मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहेगा, कैसे क्या क्या आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, सभी चीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ ऑफिशियल हैंड आउट है, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मैं इसे पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ व्यू का ऑप्शन आएगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट कीजिएगा, प्राइमरी क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में दिखाएगा और बाद में उसे आप चेंज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली कैंडिडेट इन इच ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब हर एक क्वेश्चन के आधार पे आपका टोटल स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेक्शनल कटअप के बारे में कोई जानकारी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इन्होंने रीजनिंग के बारे में बताया, तो रीजनिंग में सबसे पहले जो टॉपिक आपको देखना अल्फाबेट है, अल्फाबेट से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिलोलिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या अल्फाबेट सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर से अल्फाबेट का है, जिसमें सेंटेंस जिसमें इस वर्ड को इंटरचेंज करना है, इस पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे पजल सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेवल थोड़ा इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे अगर हम देखें यहाँ नीचे दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस आ गया और यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई में आई का मतलब क्या होता है, तो इस तरह के फुल फॉर्म ये पूछते हैं, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, किसी एक स्पेसिफिक अल्फाबेट का फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। ऑस्कर हो गया, मतलब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फुल फॉर्म के देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। उसके बाद यहाँ देखिएगा पद्म विभूषण, मतलब अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को आपको ध्यान में देना है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ देखेंगे मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीआई आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम माने तो डीआई के 5 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, वर्ड प्रॉब्लम भी आपको दिखेगा यहाँ। प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क है, ये टाइम एंड वर्क एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद रेशियो, पार्टनरशिप, एज, मिक्सर, इन सब टॉपिक को आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बोला अभी। उसके बाद देखिएगा इंग्लिश में आपको सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट ये अल्प पैसेज देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, इसके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर सेंटेंस को रीअरेंजमेंट आपको करना होगा और कॉमन एरर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सेक्शन को हमने देख लिया। अब एग्जाम में आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, ग्रीन पे ध्यान देना है या फिर आप ये वॉयलेट के साथ ग्रीन जो है ना 5वां नंबर इस पे ध्यान देना है। अब अगर क्वेश्चन को टिक लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को टिक लगाते हैं और सेव नेक्स्ट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपने आंसर दे दिया। अगर आपने ये जो 5वां ऑप्शन को क्लिक किया, ठीक है, तो 5वां ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वायलेट और ग्रीन है, मतलब आपने आंसर तो दिया बट उसमें आपको डाउट है, तो आपने इसको रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया, तो ये भी आपका काउंट होगा, केवल 5वां नंबर काउंट होगा और केवल 3रा नंबर काउंट होगा, बाकी कोई भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है। लाल का मतलब क्या हो गया, मतलब आपने स्किप कर दिया, बनाया नहीं उस चीज को। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ बताया गया कि आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, मार्क एंड रिव्यू और नेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, बट आंसर देने के बाद ही ये काम कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में टाइम मिलता नहीं है बनाने का, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओनली क्वेश्चन जो आप सेव कीजिएगा आंसर देने के बाद उसी का मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ देखिए कीबोर्ड का यूज को नहीं, कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना है एक बार एग्जाम होने के बाद है, ठीक है। और फाइनली सबमिट भी आपको नहीं करना है, सबमिट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप जैसे टाइम खत्म होगा आपका सबमिट अपने आप हो जाएगा, सबमिट आपको नहीं करना है। अब देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको मैं बता दूँ कि किन किन चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ब्लूटूथ कैमरा ये सब तो आप लोगों को पता है कि नहीं ले जाना है, सिंपल सा ड्रेस पहन के जाना है, मास्क है आपको पहनना है ये कंपलसरी है, या मास्क वहां भी मिलता है बट मास्क आपको पहन के जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वहां भी मिल जाएगा। सैनिटाइजर ग्लव्स ये सब तो मिल ही जाएगा। जो मेन है यहाँ पे देखिएगा एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अब एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में देखिएगा कॉल लेटर, फोटोकॉपी, आईडी और आईडी स्टैंपल, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल आईडी आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए और दोनों स्टेपल होना चाहिए, फोटोकॉपी कॉल लेटर दोनों स्टेपल होना चाहिए, और आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो आप पे को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ओरिजिनल आईडी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, नाम सही होना चाहिए, वही आईडी ले जाइएगा। क्लास 10 का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं अगर उसमें नाम सही है, होता है किसी किसी का आधार कार्ड में गलत है स्पेलिंग है तो उसके लिए भी मतलब वो वैलिड है। अब यहाँ देखिएगा अगर आपके पास सबसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको जो सब्सक्राइबर आपने अपने ले लिया है उसका फोटो उसके एडमिट कार्ड में चिपका होना चाहिए, मतलब दोनों का एडमिट कार्ड होगा, सब्सक्राइबर और आपका, सब्सक्राइब और आपका, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा स्क्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्राइब लिखा हुआ है, स्क्राइब और आपका फोटो होना चाहिए, दोनों कॉल लेटर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और यही सब बेसिक जानकारी था, रफ शीट आपको मिल जाएगा, पेन आपको ले जाना है, पेन आपको मिलेगा वहीं पे, ठीक है ना, तो यही कुछ है बेसिक जानकारी था। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को पता चल गया होगा, बेसिक जानकारी भी पता चल गया होगा, तो इन सभी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।